गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 भागीरथ। ठीक है, चैप्टर पे चल रहे थे हमने, टू पार्ट्स में इसकी डिफिनेशन हिंदी मीनिंग समझी। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर कुछ, ठीक है, फोकस करेंगे। फर्स्ट जैसे शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें अशूया, अशूया मीन्स घृणा, जलन, ठीक है, दग्धवान, जला दिया, जननम, जन्म, स्पृक्षति स्पर्श करेगा, प्रवाहम बहाव को, सोढ़ुम सहने के लिए, अंगीकारम स्वीकृति सहमति, आकाश गंगा, आकाश की गंगा नदी, गर्विता घमंड युक्त, निक्षिप्तवान छिपा लिया, प्रत्यक्ष प्रगटः, विसृजतु भेजो विसर्जित करो, विसृष्टवान भेजा विसर्जित किया। ठीक है, फर्स्ट है एक्सरसाइज का फर्स्ट, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। फर्स्ट है सूर्य वंशस्य राजा कह आसीत, देन आंसर क्या हुआ, सगरह। ठीक है, सेकंड है यागस्य विघ्नम कर्तुम कह मार्गम चिंतितवान, यज्ञ के विघ्न करने के लिए किसने रास्ता खोजा, ठीक है, इंद्रह। थर्ड है सगर पुत्रः कश्य पुरतः अश्वम दृष्टवंतः, सगर के पुत्र ने किसके सामने अश्व अपने घोड़े को देखा, तो आंसर हुआ कपिल मुने है। फिर फोर्थ, कस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत, किस वंश में भगीरथ का जन्म हुआ, सगरस्य। ठीक है, आकाश गंगाम शिवः कुत्र निक्षिप्तवान, आकाश गंगा शिव को शिव ने कहां छिपा लिया, तो जटाशु। फिर सेकंड है एक वाक्यन उत्तरम लिखे, जैसे हमें एक वाक्य में आंसर देना है। फर्स्ट भागीरथः कान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, ठीक है, तो स्वपूर्वजान स्वर्गम अपने पूर्वजों के लिए, कम ध्यात्वा भागीरथः तपः कृतवान ईश्वरम ध्यात्वा, ठीक, ईश्वर का ध्यान किया, भागीरथः नदी भूमितः कुत्रः नीतवान, भागीरथ नदी को कहाँ ले गया, पातालम। ठीक है, कस्य अपरम नाम भागीरथी, किसका दूसरा नाम भागीरथी हुआ, तो गंगा का। ठीक, के कार्यम प्रारब्धिना परित्यजन्ति उत्तम जनाः। थर्ड है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, ठीक है, ये कंप्लीट आंसर्स देने हैं इनको। सेकंड पीसी पे चलेंगे, उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत्, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो सही होगा उसे हमें फिल करना है। शगरः ब्लैंक कृतवान अश्वमेध यागम, कार्यम प्रारभ्य ब्लैंक जगह विरमति तो मध्या, भगीरथः पुनः ब्लैंक जगह कृतवान तपः, गंगा सगर पुत्राणा ब्लैंक जगह स्पृष्टवती तो भस्मानि, भगीरथः ब्लैंक जगह भूमो आनीतवान तो गंगाम, यथा योग्यम योजत। फिफ्थ नंबर पे योजत सही जोड़ी मिलाना है। फर्स्ट है शगरस्य, इसका आंसर षष्टि सहस्त्र पुत्रा, कपिल मुनि कुपितः जाता, आकाश गंगा गर्विता, भगीरथस्य प्रयत्न अपूर्वा, नीचे ही न प्रारभ्यते। फिर है ट्रू एंड फॉल्स, शुद्ध के जो सही हो उसके सामने आम और जो अशुद्ध वाक हो उसके सामने ना लिखना, ठीक है। सगरः अश्वमेध यागम न कृतवान न, कपिल मुने ध्याने आसीत आम, सगर पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम न गतवन्तः न, सगरस्य पुत्र भस्मी भूता जाता आम, भगीरथः गंगाम भूमौ न आनीतवान न, ठीक है। इसके बाद नीचे है सेवन पे, उदाहरण अनुसार शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, ठीक है, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। का है यागस्य, याग मूल शब्द षष्ठी विभक्ति और एक वचन, ध्याने ध्यान मूल शब्द षष्ठी सप्तमी विभक्ति और एक वचन, मुने
मुनि मूल शब्द पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन, अश्वम अश्व मूल शब्द द्वितीय एक वचन, भूलोके भूलोक सप्तमी एक वचन, भूमो सप्तमी एक वचन, जटाशु जटा सप्तमी बहुवचन। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ है, सोनिश देख लेंगे। उदाहरण अनुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत कृतवान क्री तवतु, कर्तुम क्री प्लस तुमुन, नेतुम नी प्लस तुमुन, चिंतितवान चित प्लस तवतु, पतितः पत प्लस त, ज्ञातवान ज्ञा प्लस तवतु। पिन्नायन है अधो लिखित शब्दानाम समानार्थक शब्दान लिखत, राजा नृप शक्तः समर्थः, मुनि ही यति गंगा भगीरथी, भूमि ही धरा और शिव महेश्वरा। ठीक, जो सेम लिखना समान इनके समान हो वही वर्ष लिखने हैं। फिर टेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यानि निम्नलिखित अव्ययानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणम कुरुतो, अव्यय का प्रयोग करके वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे एकदा है तो नृपः एकदा यागम कृतवान, राजा ने एक बार यज्ञ किया। तत्र है तो रामः तत्र क्रीडति, रामः खेल रहा है। एव शः बालक चतुर, एव अस्ति यह बालक तो चतुर ही है। यदा यदा सूर्य अगक्षति तदा प्रातः भवति, जब सूर्य आता है तब प्रात सुबह होती है। पुरतः रमेशस्य पुरतः गोविंदः अस्ति, अपि अहमपि विद्यालयं गच्छामि। नाउ ये आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।